नमस्कार साथियों, आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ एक व्यंगात्मक रचना हरिशंकर परसाई द्वारा, जिसका शीर्षक है एक मध्यम वर्गीय कुत्ता। मेरे मित्र की कार बंगले में घुसी तो उतरते हुए मैंने पूछा, इनके यहाँ कुत्ता तो नहीं है? मित्र ने कहा, तुम कुत्ते से बहुत डरते हो। मैंने कहा, आदमी की शक्ल में कुत्ते से नहीं डरता, उनसे निपट लेता हूँ, पर सच्चे कुत्ते से बहुत डरता हूँ। कुत्ते वाले घर मुझे अच्छे नहीं लगते। वहाँ जाओ तो मेजबान से पहले कुत्ता भौंक कर स्वागत करता है। अपने स्नेही से नमस्ते हुई नहीं कि कुत्ते ने गाली दे दी, क्यों आया है बे, तेरे बाप का घर है, भाग यहाँ से। फिर कुत्ते का काटने का डर नहीं लगता, चार बार काट ले लगता डर लगता है उन 14 बड़े बड़े इंजेक्शनों का जो डॉक्टर पेट में घुसेड़ता है। यूं कुछ आदमी कुत्ते से अधिक जहरीले होते हैं। एक परिचित को कुत्ते ने काट लिया था। मैंने कहा, इन्हें कुछ नहीं होगा, हालचाल उस कुत्ते का पूछिए और इंजेक्शन उसे लगाओ। एक नए परिचित ने मुझे घर पर चाय के लिए बुलाया। मैं उनके बंगले पर पहुंचा तो फाटक पर तख्ती टंगी दिखी। कुत्ते से सावधान, मैं फौरन लौट गया। कुछ दिन बाद वे मिले तो शिकायत की, आप उस दिन चाय पीने नहीं आए। मैंने कहा, माफ करे, मैं बंगले तक गया था, वहां तख्ती लटकी थी। कुत्ते से सावधान, मेरा ख्याल था उस बंगले में आदमी रहते हैं, पर नेम प्लेट कुत्ते की टंगी हुई दिखी। यूं कोई कोई आदमी कुत्ते से बदतर होते हैं। मार्क टैबन ने लिखा है, यदि आप भूखे मरते कुत्ते को रोटी खिला दें तो वह आपको नहीं काटेगा। कुत्ते में और आदमी में यही मूल अंतर है। बंगले में हमारे स्नेही थे, हमें वहाँ तीन दिन ठहरना था। मेरे मित्र ने घंटी बजाई तो जाली के अंदर से ही वही भौं भौं की आवाज आई। मैं 2 कदम पीछे हट गया। हमारे मेजबान आए, कुत्ते को डांटा, टाइगर टाइगर, उनका मतलब था शेर, ये लोग कोई चोर डाकू नहीं है, तू इतना वफादार मत बन। कुत्ता जंजीर से बंधा था, उसने देख भी लिया था कि हमें उसके मालिक ने खुद भीतर ले जा रहे हैं, पर वह भौंके जा रहा था। मैं उससे काफी दूर से लगभग दौड़ता हुआ भीतर गया। मैं समझा यह उच्च वर्गीय कुत्ता है, लगता तो ऐसा ही है। मैं उच्च वर्गीय का बहुत ही अदब करता हूँ, चाहे वह कुत्ता ही क्यों ना हो। उस बंगले में मेरी अजब स्थिति थी, मैं हीन भावना से ग्रस्त था। इसी आहाते में एक उच्च वर्गीय कुत्ता और इसी में मैं, वह मुझे हिराकत की नजर से देखता। शाम को हम लोग लॉन में बैठे हुए थे, नौकर कुत्ते को आहात में घुमा रहा था। मैंने देखा फाटक पर आकर 2 सड़की आवारा कुत्ते खड़े हो गए। वे सर्वहार कुत्ते थे। वे इस कुत्ते को बड़े गौर से देखते, फिर यहाँ वहाँ घूमकर लौट आते और इस कुत्ते को देखते रहते, पर यह बंगले वाला कुत्ता उन पर भौंकता था। वे सहम जाते और यहाँ वहाँ हो जाते, पर फिर आकर इस कुत्ते को देखने लगते। मेजबान ने कहा, यह हमेशा का सिलसिला है, जब भी यह अपना कुत्ता बाहर आता है वे दोनों कुत्ते इसे देखते रहते हैं। मैंने कहा, पर इन्हें उस पर भौंकना नहीं चाहिए, ये पट्टे और जंजीर वाला है, सुविधा भोगी है, वे कुत्ते भुखमरी और आवारा है, इसकी और उनकी बराबरी नहीं, फिर यह क्यों उन्हें चुनौती देता है। रात को हम बाहर ही सोए, जंजीर से बंधा कुत्ता भी पास ही अपने तख्त पर सो रहा था। अब हुआ यह कि आसपास जब भी वे कुत्ते भौंकते यह कुत्ता भी भौंकता। आखिर यह उनके साथ क्यों भौंकता है? यह तो उन पर भी भौंकता है। जब वे मोहल्ले में भौंकते हैं तो यह भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगता है, जैसे उन्हें आश्वासन देता है कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मुझे इसके वर्ग पे शक होने लगा था, यह उच्च वर्ग के कुत्ता नहीं। मेरे पड़ोस में ही एक साहब के पास थे 2 कुत्ते, उनका रौब ही निराला, मैंने उन्हें कभी भौंकते नहीं सुना। आसपास के कुत्ते भौंकते रहते पर वे ध्यान नहीं देते, लोग निकलते पर वे झपटते भी नहीं थे।
कभी मैंने उन्हें एका धीमी गुर्राहट में ही सुना होगा। वे बैठे रहते या घूमते रहते, फाटक खुला होता तो भी वे बाहर नहीं जाते। बड़े रूबीले, अहंकारी और आत्मतुष्ट यह कुत्ता उन सर्वहार कुत्तों पर भौंकता भी है और उनकी आवाज में आवाज भी मिलाता है। कहता है, मैं तुम में शामिल हूँ। उच्च वर्गीय छूटा रूप भी और संकट के आभास पर सर्वहार के साथ भी। यह चरित्र है इस कुत्ते का। यह मध्यम वर्गीय चरित्र है। यह मध्यम वर्गीय कुत्ता है। उच्च वर्गीय होने का ढोंग भी करता है और सर्वहार के साथ मिलकर भौंकता भी है। तीसरे दिन रात को हम लौटे तो देखा कुत्ता त्रस्त पड़ा है। हमारी आहट पर वह भौंका नहीं, थोड़ी सी मरी आवाज में गुर्राया। आसपास भी आवारा कुत्ते भौंक रहे थे, पर यह उनके साथ भी नहीं भौंका। थोड़ा गुर्राया और फिर ढाल पड़ गया। मैंने मेजबान से कहा, आज तुम्हारा कुत्ता बहुत शांत है। मेजबान ने बताया, आज यह बुरी हालत में है। हुआ यह कि नौकर की गलफत के कारण यह फाटक से बाहर निकल गया। वे दोनों कुत्ते तो घात में ही थे। दोनों ने इसे घेर लिया, इसे रगड़ा, दोनों इस पर चढ़ बैठे, इसे काटा। हालत खराब हो गई। नौकर इसे बचा कर लाया। तब से यह सुस्त पड़ा है और घाव सहला रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव से कल इसे इंजेक्शन दिलवाऊंगा। मैंने कुत्ते की तरफ देखा, दीन भावना से पड़ा था। मैंने अंदाजा लगाया कि हुआ यूं होगा, यह अकड़ से फाटक के बाहर निकला होगा, उन कुत्तों पर भौंका होगा। उन कुत्तों ने कहा होगा, अबे अपना वर्ग नहीं पहचानता, ढोंग रस्ता है। यह पट्टा और जंजीर लगाए है, मुफ्त का खाता है, लॉन पर टहलता है और हमें ठसक दिखाता है। पर रात को हम जब किसी आसन्न संकट पर हम भौंकते हैं तो तू भी हमारे साथ हो जाता है। संकट में हमारे साथ है, मगर यूं हम पर ही भौंकेगा। हम में से है तो निकल बाहर, छोड़ यह पट्टा और जंजीर, छोड़ यह आराम, भूरे में पड़ा रह, अन्न खा या चुरा कर रोटी खा, भूल में लौट, यह फिर भूखा होगा। इस पर वे कुत्ते झपटे होंगे, यह कहकर, अच्छा ढोंगी दगाबाज, अभी तेरे झूठ का दर्प का अहंकार नष्ट कर दिए देते हैं। इसे रगड़ा, पटका, काटा और धूल खिलाई। कुत्ता चुपचाप पड़ा और अपने सही वर्ग के बारे में चिंतन कर रहा है। धन्यवाद साथियों।